प्ले इन सिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन जड़े जल अवशोषण में नगण्य कार्य करती है देखो यहां पर चार ऑप्शन दे रखे और ये आया हुआ है एआई पीएमटी 2015 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है पी जो है वो एक टेरेस्ट्रियल प्लांट है वीट है वो भी एक टेरेस्ट्रियल प्लांट है स्थलीय सनफ्लावर वो भी एक टेरेस्ट्रियल प्लांट है बट जो पिस्टिया है, है ना Pistia है या वाटर हाइसिंथ जो है वो कैसे होते हैं आपके हाइड्रोफाइट्स होते हैं जलोद्भिद प्लांट्स होते हैं हाइड्रोफाइट्स होते हैं ठीक है अब हाइड्रोफाइट्स हैं तो इट मीन्स वहां पर प्लांट का जो एब्जॉर्प्शन है वो कहीं ना कहीं पूरी प्लांट बॉडी से किया जा रहा है अब प्लांट बॉडी से किया जा रहा है इसका मतलब वहां पर मेन इंपॉर्टेंट रोल जो है वो वहां पे रूट का नहीं होता अदर जो पार्ट होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं वाटर का एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं तो उस केस में यहां पर यही पूछा गया है कि जल अवशोषण में नगन्य कार्य करती है तो उसके लिए फिर जो है वो आपके आंसर किया जाता है फोर्थ तो ऑप्शन ठीक है आगे बात समझ में तो पिस्टिया जो है वो हाइड्रोफाइट प्लांट के अंदर काउंट किया जाता है इसलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लांट विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक्स न्यूमेटोफोर एंड शो विवीपेरी बिलोंग टू देखो विशिष्ट श्वसन मूलों को उत्पन्न करने वाले तथा सजीव प्रजक्ता दर्शाने वाले पादप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है तो यहां पर एनसीआरटी ने जो मोर्फोलॉजी वाला जो टॉपिक है उसके अंदर दे रखा है कि जो राइजोफोरा प्लांट्स जो होते हैं राइजो फोरा जो प्लांट होते हैं राइजोफोरा प्लांट हैं। जो मार्शी एरिया में प्रेजेंट होते हैं दलदली क्षेत्र के अंदर प्रेजेंट होते हैं या स्वाम्पी एरिया में प्रेजेंट होते हैं या इसको अपन हेलोफाइट्स भी बोल सकते हैं भी बोल सकते हैं इनको प्लांट्स को ऐसे प्लांट्स जो अत्यधिक लवणीय सांद्रता युक्त वातावरण में पाए जाते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं लवनोदित बोलते हैं या हेलोफाइट्स बोलते हैं ठीक है तो उनके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन को लेने के लिए या श्वसन करने के लिए उनकी जो रूट होती है वो रूट वर्टिकली क्या करती है ग्रो कर जाती है और वर्टिकली ग्रो करके यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं उनमें पोर प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं श्वसन रंध्र या न्यूमेटो क्या कहा जाता है बोला जाता है और जिन पे प्रेजेंट हो उनको बोलते हैं न्यूमेटोफोर ठीक है तो वहां पर यह देखने को मिलता है तो एक तो यह पॉइंट हो गया न्यूमेटोफोर वीवीपेरी का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है जब सीड जो है वो सोइल में गिरता है तभी उसके अंदर क्या होता है जर्मिनेशन होता है और जर्मिनेशन होकर के रेडिकल और प्लीम्यूल का क्या होता है फॉर्मेशन होता है और प्रांकुर का निर्माण होता है बट इस केस में क्या होता है कि सोयल में या जिस हैबिटेट के अंदर प्रेजेंट है वहां पर गिरने से पहले ही उसी प्लांट के अंदर उसमें क्या हो जाता है सीड में जर्मिनेशन हो जाता है तो उस रीजन से वहां से एक टर्म आता है और वो टर्म कौन सा है वीवी पेरी या सजी प्रजक्ता मतलब जमीन में गिरने से पहले ही वहां पर बीज का क्या हो जाता है अंकुरण हो जाता है तो ये सारे फीचर्स जो है वो किससे रिलेटेड है हेलोफाइट से क्या होते हैं आपकी रिलेटेड होते हैं तो इसमें आंसर क्या होगा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा ठीक है जो एक एग्जाम्पल है और स्वाम्पी एरिया में प्रेजेंट है दलदली क्षेत्र के अंदर क्या होता है प्रेजेंट होता है नेक्स्ट रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ मूल रोम किस क्षेत्र से विकसित होते हैं ठीक है तो अपन जानते हैं कि मूल रोम जो है जैसे ये स्ट्रक्चर हो गया इसके अंदर ये वाला मैचुरेशन जोन हो गया ये वाला एलोंगेशन जोन हो गया और ये जो है वो आपके मैरिस्टोमेटिक जोन हो गया और यहां पर क्या प्रेजेंट होता है रूट प्रेजेंट होता है तो जो होता है उसी जोन से क्या निकलते हैं यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर निकलते हैं और यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं रूट हेयर या मूल रोम कहा जाता है और कौन से क्षेत्र से निकलते हैं मेच्युरेशन जोन से जो है वो आपके उत्पन्न होते हैं तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा फोर्थ ऑप्शन और यहीं से मैक्सिममली वॉटर और मिनरल्स का भी क्या किया जाता है एब्जॉर्प्शन किया जाता है ठीक है तो फोर्थ ऑप्शन नेक्स्ट न्यूमेटोफोर अभी अपन बात कर रहे थे श्वसन मूल किसमें होती है तो श्वसन मूल किसमें होगी आपके हेलोफाइट्स के अंदर होगी ऐसे पादक जो अत्यधिक लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हेलोफाइट्स राइजोफोरस का एक एग्जाम्पल दे रखा है नेक्स्ट स्वीट पोटेटो इज ए मॉडिफाइड शकरकंद किसका रूपांतरण होता है एन में डायग्राम दे रखे हैं कुछ कैरेट का दे रखा है टर्निप का दे रखा है स्वीट पोटेटो का भी दे रखा है रेडिश का भी दे रखा है तो वहां पर टैप रूट भी है ने नहीं, नहीं बताया कि कौन सा रूट है है बट अपने को यह समझना है कि वहां पर जो स्वीट पोटेटो है वो टैप रूट का मॉडिफिकेशन नहीं होता वो किसका मॉडिफिकेशन होता है एडवेंटिशियस रूट का या अपस्थानिक मूल का क्या होता है एक रूपांतरण होता है ठीक है जिसपे नोड और इंटरनोड स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है ठीक है नीट दो में क्वेश्चन आया हुआ है नेक्स्ट द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है देखो नॉर्मली ये है कि यहां से रेडिकल बना और ये रेडिकल आगे चल करके प्राइमरी रूट बनाता है और इसी प्राइमरी रूट से क्या निकलती है सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्सरी तरीके से रूट सिस्टम बनता है बट इस केस में जो रेडिकल होता है वो रेडिकल क्या होता है अल्पकालिक होता है है ना शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनता है और यहां से फिर जो है वो आपके क्या बनता है बंच में क्या बनता है आपके रूट का एक गुच्छा बनता है और उसी बंच को अपन क्या बोलते हैं फाइब्रस रूट कहा जाता है तो थर्ड ऑप्शन इसका सिक्स नंबर का एनसीईआरटी में दे रखा है ठीक है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है द राइजोम इज एरियल विथ नो डिस्टिंक्ट नोड एंड इंटरनोड द राइजोम इज थिक राइजोमेटेड एंड ब्रांसड राइजोम इज ए कंड फ्रॉम फॉर्म ऑफ स्टेम द एपिकल बर्ड इज राइजोम ऑलवेज रिमेन अबाउ द ग्राउंड ठीक है और प्रकंड मोटा भूसाई और शाखित होता है प्रकंद तने का एक संगणित रूप है प्रकंद में शीर्ष कलिका सदैव भूमि से ऊपर हो जाता है ये सारे फीचर्स है केवल एक को छोड़ करके और वो कौन सा है कि राइजोम जो है वो एरियल है एरियल नहीं होता राइजोम एक स्टेम भी है जो भूमिगत रूप से पाया जाता है अंडरग्राउंड पाया जाता है और इस कहना कि नोड और इंटरनोड नहीं होते तो गलत है क्योंकि नोड और इंटरनोड स्ट्रक्चर क्या होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं तो सेवंथ नंबर का क्या आएगा फर्स्ट ऑप्शन और सारे ऑप्शन सही है किसके रिस्पेक्ट में राइजोम के रिस्पेक्ट में तो सेवंथ का क्या जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट स्टेम से रिलेटेड अब देखते हैं देखो वन बाय वन करके अपन ने सारे टॉपिक जो है सब टॉपिक करके हर एक पॉइंट को जो है, आए हुए हैं क्वेश्चन उनमें अपन यहाँ पे देख रहे हैं एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम्प इज है ना भूमिगत तने का एक उदाहरण कौन सा है जो खाने योग्य है तो भूमिगत तना देखो कैरेट रूट का मोडिफिकेशन है ग्राउंड नट अपने आप में पूरा फ्रूट है स्वीट पोटेटो भी रूट का मोडिफिकेशन है पोटेटो क्या है आपके अंडरग्राउंड स्टेम का क्या होता है आपके मोडिफिकेशन होता है मतलब पोटेटो को आप ये कहते हो एक टर्म जिसको आप क्या बोलते हो ट्यूबर और आलू को क्या बोलते हो आप कंद कहते हो ठीक है तो फोर्थ ऑप्शन इसमें नेक्स्ट स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीव आर नोन एज पत्तियों का कार्य करने वाले चपटे हरे अंग में रूपांतरित तने को क्या कहा जाता है देखो यहां पर कुछ टर्म दे रखे हैं पहले ये देख लेते हैं नीट फर्स्ट फेज ये 2016 का क्वेश्चन है फाइलोड फाइलोक्लेड स्केल्स क्लेडोड है ना तो यहां पर आपको यह समझना है कि इनका मेन मीनिंग क्या होता है देखो फाइलोड की बात करें तो फाइलोड और फाइलोक्लेड जो है तो फाइलोक्लेड के अंदर क्या होता है कि जैसे ये स्टेम्प है तो इस स्टेम के अंदर क्या होता है कि जो लीफ जो होता है वो स्पाइन के अंदर मॉडिफाइड हो जाता है क्योंकि जिस habitat के अंदर होते हैं पर water की लिमिटेशन होती, होती है आप ये कह सकते हो कि जीरो फाइट का एक फीचर हो गया तो वहां पर वाटर uh, लॉस को मिनिमाइज करने के लिए कम करने के लिए जल को कम करने के लिए वहां पर लीव जो होती है वो स्पाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और जो स्टेम जो होता है वो फ्लेट स्ट्रक्चर हो जाता है जैसे ओपनशिया की बात करें या यूफोरबिया की बात करें तो वहां पर क्या होता है इस तरीके के फीचर देखने को मिलते हैं तो वहां पर आपके क्या आता है प्रणाम स्तंभ मतलब वहां पे जो स्तंभ होता है वो क्या करने लगता है फोटो हरे रंग का हो जाता है प्रकाश संश्लेषण करने लगता है तो फाइलोक्ट क्या होगा इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन इसके अंदर ठीक है नेक्स्ट थॉर्न ऑफ सिट्रस ये स्टेम का मोडिफिकेशन है ना ग्रेजिंग एनिमल से या चढ़ने वाले पशुओं से सुरक्षा देने के लिए ट्रेंडिल ऑफ कुकुंबर यह भी स्टेम का मोडिफिकेशन आरोह में क्या होता है सहायता करता है फ्लेटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपनशिया ये भी स्टेम का क्या होता है आपके मॉडिफिकेशन होता है बट पिक्चर ऑफ निफेंटस ये जो कीट भक्षी पादप होते हैं उन कीट भक्षी पादपों के अंदर ये जो है वो लीफ जैसे नॉर्मली लीफ ऐसा दिखाई दे रहा है तो उसके अंदर लीफ जो होता है वो क्या हो जाता है आपके मॉडिफाइड हो जाता है इस तरीके से मॉडिफिकेशन उसमें देखने को मिलता है कीट बक्षी और जिस आवास में पाए जाते हैं वहां पर नाइट्रोजन की क्या होती है कमी होती है तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वहां पर वो कहीं ना कहीं कीटों पे क्या होने लगते हैं निर्भरता प्रदर्शित करने लगते हैं ठीक है तो फोर्थ ऑप्शन का क्या जाएगा राइट नेक्स्ट इन थॉर्न आर द ऑफ इनिया के अंदर प्रोटेक्शन के लिए सुरक्षा के लिए चढ़ने वाले पशुओं से वहां पर स्टेम का क्या हो जाता है मोडिफिकेशन हो जाता है और उनकी जो एक्सिलरी बर्ड होती है उस एक्सिलरी बर्ड से आपके क्या बन जाते हैं आपके का क्या हो जाता है निर्माण हो जाता है तो यहां पर क्या आएगा स्टेम का मोडिफिकेशन है ये नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट आप देखो कुछ स्टेटमेंट दे हैं, इनमें से अपने को सही कथन कौन से हैं, ये देखने देखो लीफलेट आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंट हार्ड थॉर्न इन सिट्रस एंड लीफलेट का मॉडिफिकेशन नहीं होता है किसका मॉडिफिकेशन होता है ये स्टेम का मॉडिफिकेशन एक्सिलरी बर्ड फॉर्म सिलेंडर एंड स्पाइरल कॉइल टेंड्रिल इन कुकुम्बर एंड पंपकिन ये जो है वो आपके बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि वहां पर कोईल के समान संरचना का क्या करते हैं निर्माण कर लेते हैं कुकुर बिटेसी फैमिली से रिलेटेड है स्टेम इज फ्लेटेड एंड फ्लैश इन ओपनशिया मोडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ लीफ बिल्कुल सही अभी बात कर रहे थे फाइलोक् के बारे में परिणाम स्तंभ के बारे में राइजोफोरा शो वर्टिकली अपर्ड ग्रोइंग रूट दैट हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन बिल्कुल सही बात है सब एरियल ग्रोइंग स्टेम इन ग्रासेज एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन नए प्लांट का क्या हो सकता है फॉर्मेशन जिसको अपन क्या बोलते हैं कायिक प्रवर्धन बोलते हैं तो यहां पर फर्स्ट को छोड़ करके है ना इसके अलावा सारे सही हैं फर्स्ट कौन सा लीफलेट का मॉडिफिकेशन नहीं होता किसका मॉडिफिकेशन होता है स्टेम का क्या होता है मॉडिफिकेशन होता है तो इसमें क्या आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट right हो जाएगा तो बारहवीं का ट्वेल्थ नंबर का जो है वो आपके क्या होगा सेकंड ऑप्शन बी भी सही है सी भी सही है डी भी सही है और ई e भी सही है ठीक है नेक्स्ट अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन फ्लावर की नीट दो में क्वेश्चन आया हुआ है अब फ्लावर से रिलेटेड यहां पर देखिएगा

जिसको अपन बोलते हैं तो इसके अंदर आपको याद रखिए कि एक तो यहां पर प्लस का आता है। प्लस का का साइन साइन आता आता है है मतलब आप किसी भी प्लांट से इसको कट करते हो किसी भी क्षेत्र से इसको कट करते हो तो दो भागों में क्या हो जाता है विभक्त हो जाता है फ्लावर दूसरा इसके अंदर क्या आता है आपके हाइपोगाइनस तो हाइपोगाइनस को अपन इस तरीके से लिखते हैं सुपीरियर ओवेरी होती है उर्दवर्ती अंडाशय पाया जाता है और साथ ही साथ ट्विस्टेड एस्टिवेशन अब ट्विस्टेड एस्टिवेशन का मतलब आप कह सकते हो कि एक इसके अंदर बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ और फिर वापस से से जो है 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 वो आपके एक एक अंदर और एक बाहर इस तरीके से क्या होता व्यवस्था होती है, व्यावर्ती जिसको अपन बोलते हैं ठीक है ना तो एक्टिमोर्फिक होता है होता है और उसके अंदर एस्टिवेशन है ना पुष्प दल विन्यास जो है वो कैसा होता है आपके ट्विस्टेड प्रकार का होता है तो थर्टीन नंबर के अंदर क्या जाएगा थर्ड ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट प्लेसेंटा एंड आपने पढ़ा होगा और लीलियसी दे रखी है तो उसके अंदर सोलेनेसी के अंदर दे रखा है कि एक प्लेसेंटेशन दे रखा है जैसे टमाटर की बात करें तो टमाटर के अंदर अपन देखते हैं कि इस तरीके से क्या होता है आपके बीज लगे हुए हैं इसमें दिखा रखे और यहां पर बिल्कुल जहां से जुड़े उसको अपन क्या बोलते हैं प्लेसेंटेशन बोलते हैं ठीक है तो प्लेसेंटेशन को भी अपन खा सकते हैं और इसकी पेरी जो फल फलभित्ती होती है है ना जिसमें आपके तीन होता है कौन सा एपिकार बाह्य फल फल्ती मध्य फल फल्ती और अंत फल्ती उसको भी खा सकते हैं तो एप्पल के अंदर ऐसा नहीं है भाई बनाना के अंदर ऐसा भी नहीं है टोमेटो में मिलेगा आपको पोटेटो के अंदर आपके जो है क्योंकि पोटेटो जो अपन खाते हैं वो तो अंडरग्राउंड स्टेम है स्टेम का मॉडिफिकेशन है बट यहाँ पे तो फ्रूट की बात हो रही है और फ्रूट टोमेटो इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाएगा तो फोर्टीन का क्या जाएगा आपके थर्ड ऑप्शन आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट कील इज द दिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावर देखो यहां पर एनसीआरटी का एक डायग्राम दे रखा है उसके अंदर इस तरीके से मेंशन कर रखा है ठीक है तो यहां पर स्टैंडर्ड हो गया ये आपके जो है विंग हो गए और ये आपके कील हो गए इसके अंदर है है ना तो ये बेसिकली कौन सी फैमिली से रिलेटेड है ये रिलेटेड है फाबेसी एक फैमिली दे रखी है एनसीआरटी के अंदर उससे रिलेटेड होता है और वहां पर जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से उन्होंने बता रखा है वन प्लस टू प्लस टू और टू क्या होते हैं फ्यूज होते हैं संयुक्त होते हैं तो ये बेसिकली इंडिको फेरा है इंडिको फेरा मतलब फेबेसी है ना डाई के रूप में क्या होता है ये नील के रूप में क्या होता है इसको काम में लिया जाता है कॉमर्शियली लेवल पे तो पंद्रह का क्या हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसमें ठीक है नेक्स्ट पेरी फ्लावर आर फाउंड इन है ना परिजयांगी पुष्प किसपे पाए जाते हैं देखो यहां पर तीन चिन्ह आपको मिलते हैं इस तरीके से ठीक है और ये इसको तो बोलते हैं इसको बोलते हैं गाइनस और इसको बोलते हैं एपी तो पेरी के अंदर तीन एग्जाम्पल एनसीआर में दे रखे हैं पीच दे रखा है प्लम दे रखा है और रोज दे रखा है ठीक है आलू बुखारा हिंदी में अगर अपन कहें तो आड़ू और तीसरा कौन सा दे रखा है गुलाब ठीक है तो अब इसमें कौन सा रिलेटेड है देख लो आप कुकुंबर में नहीं है गवावा के अंदर भी नहीं क्योंकि गवावा के अंदर क्या आता है आपके गवावा के अंदर नेक्स्ट आता है कौन सा एपी गाइनस आता है चाइना रोज के अंदर हाइपो गाइनस आता है कुकुंबर के अंदर भी कहीं ना कहीं आपके ठीक है और रोज की बात करें तो रोज जो है फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा इसका सिक्सटीन का क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा जो कौन से, से रिलेटेड है पेरी से या पेरी से रिलेटेड है ठीक है नेक्स्ट है अमोंग चाइना रोज ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं भाई और इसमें से अपने को ये देखना है सुपीरियर दो हजार पंद्रह में क्वेश्चन आया हुआ है और सुपीरियर ओवेरी मतलब इस तरीके से तो अब यहां पर देखो अपने पास में एनसीआरटी के अंदर चार फैमिली है चारों फैमिली के अंदर जो गायनोशियम की कंडीशन जो है है ना वो सारी के सारी कैसी आपके हाइपोगाइनस प्रकार की होती है फिर भी अपन इसमें देखें तो कितने हो सकते हैं देखो एनसीआरटी के अकॉर्डिंग अगर अपन चले तो चाइना रोज के अंदर है एक तो ठीक है इसके अलावा मस्टर्ड के अंदर हो जाएगा ब्रिंजल के अंदर हो जाएगा पोटेटो के अंदर हो जाएगा ठीक है इसके अलावा जो है वो आपके इसमें अनियन में क्योंकि लीलियसी से आता है टूलिप जो है वो भी इसके अंदर है तो कितने हो गए आपके लगभग कितने हो जाएंगे छह हो जाएंगे इसके अंदर अकॉर्डिंग एन चाइना रोज में होता है मस्टर्ड कौन सी फैमिली से रिलेटेड है फैमिली से ब्रिंजल पोटेटो कौन सी फैमिली से रिलेटेड है आपके फैमिली से रिलेटेड है है अनियन और जो वो आपके किससे रिलेटेड हो गए आपके फैमिली से रिलेटेड हो गया तो दो और दो चार इससे सुपीरियर ओवेरी से क्या हो गए रिलेटेड हो गए तो सेवनटीन का क्या आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा छे. ठीक है नेक्स्ट है फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल देखो यूनिसेक्सुअल एक तो ये चिन्ह है इसके अलावा एक ये चिन्ह हो गया तो तो ये तो यूनिसेक्सुअल हो गया और ये बाई हो गया तो बाई चारों फैमिली के अंदर बाइसेक्सुअल कंडीशन दे रखी है अब चाइना रोज मालवेसी कुलका है बाई होता है गुडल का पुष्प अनियन लीलियसी कुल का है वो भी बाइसेक्सुअल होता है पी जो है वो भी क्या होता है आपके बाई होता है बट जो कुकुम्बर होता है खीरा जो होता है जो कौन सी फैमिली से रिलेटेड है कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपको याद रखना पड़ेगा इससे रिलेटेड कुकुर, बिटेसी। तो कुकुर बिटेसी के अंदर क्या आती है। तो 18 का क्या जाएगा आपके प्लेसेंटेशन की लिस्ट दे रखी है एक्साइल फ्री सेंट्रल दे रखा है है ना मार्जिनल दे रखा है ठीक है तो ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे भाई एग्जांपल बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर है। तो इसके अंदर एक्साइल जो प्लेसेंटेशन है जिसमें आप ये कह सकते हो इस तरीके से, इस तरीके तरीके से से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ना? तो वो जो है, वो आपके किस पे मिलेगा देखो पी के अंदर कौन सा होता है आपके मार्जिनल होता है ठीक है आरजीमोन की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर कौन सा होगा पेराइटल हो जाएगा इसके अलावा डायंथस की बात करें तो डायंथस के अंदर आपके कौन सा होता है फ्री सेंट्रल होता है

लीलियसी फैमिली का है तो कौन सी फैमिली हो गई भाई लीलियसी सोलेनेसी में क्या होता है दे रखा है फेबेसी में क्या होता है दे रखा है पोएसी मतलब ग्रेमिनी गेहूं वीट के अंदर कौन सा होता है आपके मोनो कार्पिलरी होता है बट फोर्थ के अंदर ट्वेंटी के अंदर क्या जाएगा आपके लीलियसी फैमिली आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट द टर्म पोली एडल्फर्स देखो स्टेमन से रिलेटेड आपको तीन टर्म याद रखने हैं और उनके एग्जाम्पल याद रखने हैं एक तो याद रखना है कौन सा मोनो एडल्फस एक याद रखना कौन सा डाई एडल्फस और एक याद रखना कौन सा पोली एडल्फस अब मोनो एडल्फस अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो वो कौन सी कंडीशन है मोनो एडल्फस और अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं नाइन प्लस वन तो वो डाई एडल्फस और पोली मतलब जिसमें दो से ज्यादा क्या होते हैं ग्रुप पाए जाते हैं तो ये बेसिकली जो है वो किससे रिलेटेड होता है एंड्रोशियम से क्या होता है आपके रिलेटेड होता है किससे रिलेटेड है एंड्रोशियम से रिलेटेड होता है ये ठीक है फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट है हाउ मेनी प्लांट अमॉन्ग देखो कुछ एग्जाम्पल दे रखे और इनमें यह पूछा गया है कि स्टेमन जो है वो डिफरेंट लेंथ के हो तो एनसीआरटी में आपको मिलेंगे वैसे वहां पर एनसीआर में एग्जाम्पल दे रखा है एक तो मस्टर्ड दे रखा है और एक दे रखा है सालविया प्लांट बट अगर आप इसमें मस्टर्ड को रिलेटेड करो किससे ब्रेसिकेसी से रिलेटेड करो तो ब्रेसिकेसी के रिलेटेड अपने सामने कुछ एग्जाम्पल्स और आते हैं और वो याद रखने देखो मस्टर्ड ब्रेसिकेसी का है रेडिश मूली भी किसका होता है ब्रेसिकेसी फैमिली से रिलेटेड होता है और टर्निप है ना बीट रूट जिसको अपन बोलते हैं चकुंदर जिसको अपन बोलते हैं वो भी ब्रेसी से रिलेटेड होता है तीन तो ये हो गए और सालविया एनसीईआरटी में दे ही रखा है तो चार होते हैं यहां पर तो बाईस के अंदर अगर अपन कहें तो सालविया जाएगा मस्टर्ड आ जाएगा रेडिश आ जाएगा और टर्निप आ जाएगा तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया इसका ठीक है नेक्स्ट रेडियल सिमेट्री रेडियल सिमेट्री का मतलब ये रेडियल सिमेट्री ठीक है और सिमेट्री का मतलब ये सिमेट्री हो गई ये इसको आप क्या बोल सकते हो और बोल सकते हो तो रेडियल सिमेट्री किसमें होता है देखो ट्राइफोलियम कौन से कुल का है फाबेसी का है पाइसम फाबेसी का है केसिया फाबे का है बट ब्रेसिका जो किस है किससे रिलेटेड है ब्रेसिकेसी से रिलेटेड होता है तो तेईस नंबर का आपके जो क्या है क्या आएगा फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा इसमें ठीक है नेक्स्ट फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन अभी बात कर रहे थे कौन सा आपकी? अगर अपन ये भी पेराइटल है. सिट्रस की बात करें तो अभी बात की है. उसके अंदर क्या होता है आपके एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है लेमन के अंदर ऑरेंज के अंदर और यहां पर जो है वो डायंथस के अंदर क्या होगा प्रीमरोज के अंदर दो एग्जांपल दे रखे डायंथस और प्रीमरोज जिसके अंदर आपके कौन सा प्रेजेंट रहेगा फोर्थ ऑप्शन डायंथस ठीक है नेक्स्ट प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द और दिपुल प्रकार का क्या होता है प्लेसेंटेशन होता है और एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है पेराइटल के अंदर एक तो ब्रेसी कैसी दे रखा है और एक कौन सा दे रखा है आर्जीमोन दे रखा है तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका नेक्स्ट रे है देखो गवावा कुकुम्बर और रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर सूरजमुखी उसके अंदर आप याद रखें कौन सा होता है आपके इनफीरियर ओवेरी होती है अधोवर्ती अंडाशय प्रेजेंट होता है पाया जाता है तो थर्ड ऑप्शन इसमें राइट नेक्स्ट द ओवेरी इज हाफ इनफीरियर देखो हाफ इनफीरियर मतलब इस तरीके से चिन्ह होता है और इसी को अपन क्या बोलते हैं पेरी गाइनस क्या बोलेंगे पेरी गाइनस बोलेंगे ठीक है अब पेरी गाइनस की जहां पे बात आती है तो वहां पर आप याद रखें सनफ्लावर प्लम ब्रिंजल मस्टर्ड तो तीन एग्जांपल याद रखने प्लम पीच और रोज जिसमें हाफ क्या होता है आपके प्रेजेंट होता है सनफ्लावर के अंदर तो क्या होगा एपिगाइनस ब्रिंजल की सोलेनेसी की बात करें तो हाइपोगाइनस मस्टर्ड की बात करें तो हाइपोगाइनस तो प्लम पीच एंड रोज एग्जाम्पल रहेगा ठीक है डाई एडल्फस स्टेमन आर फाउंड देखो डाई एडल्फस मतलब दो संगों के रूप में क्या होते हैं आपके प्रेजेंट होते हैं ठीक है दो संगों के रूप में क्या होंगे आपके प्रेजेंट रहेंगे तो उसके अंदर नाइन प्लस वन ये अरेंजमेंट मिलेगा सिट्रस में आपको पोली एडल्फस है पी में डाई एडल्फस है चाइना रोज की बात करें तो उसमें भी क्या होता है आपके मोनो एडल्फस होता है केवल बात करें तो, हो गया, तो ये Zygomorphic, देखो एडल की अभी अपन बात कर रहे थे तो उससे रिलेटेड कौन कौन से हैं तो जाएगोमोरफिक से रिलेटेड आपको देखने हैं किसमें आता है ये वाला साइन है ये वाला साइन आता है फाबेसी के अंदर अब फाबेसी से रिलेटेड देखो गुलमोहर है केशिया है दो ही एग्जाम्पल दे रखे कौन से बी एंड सी तो उनतीस का ट्वेंटी बी एंड सी मस्टर्ड में प्लस का साइन आएगा मतलब रेडियल सिमेट्री आएगी दतुरा भी प्लस का साइन आएगा चिली भी सोलेनेसी का आता है तो एक तो केश आ जाएगा आपके गुलमोहर आ जाएगा ठीक है बी एंड सी तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या होगा राइट हो जाएगा इसमें उनतीस का तीस नंबर की बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो वैक्सलरी एस्टिमेशन एंड डाईडस अच्छा क्वेश्चन है तो इसमें आपको अभी बताया गया था इस तरीके से क्या होता है आपके अरेंजमेंट होता है ठीक है और डाइडल्फस मतलब नाइन प्लस वन का अरेंजमेंट तो किसमें होता है फाबेसी के अंदर तो फाइसम से टाइम फाबेसी में आता है एलियम सेपा जो है अनियन जो है वो आपके किस में आता है आपके लीलियसी के अंदर सोलेनम नाइग्रम मकोई जो होता है वो भी किस में आता है सोलेनेसी में कोल्चिकम ये भी किस में आता है आपके में आता है प्राप्त करते हैं इससे अपन माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन नहीं होने देता है मेटाफेज के अंदर और क्रोमोजोम को सेपरेट नहीं होने देता है तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा तीस नंबर के अंदर ठीक है नेक्स्ट मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड देखो यहां पर कुछ ए, एस्टिवेशन के टाइप दे रखे हैं ना पुष्प दल विन्यास के टाइप दे रखे हैं है ना वेलवेट ट्विस्टेड पहले एक बार अपन देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी आप कह सकते हो कि भाई पुष्प जो है उसके जो पेटल जो होते हैं दल जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं ओवरलैप नहीं करते किस केस में वेलवेट के केस में अगर यहाँ पर अगर अपन कहें तो एक दल का एक सिरा अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं है। है? है, और अन्य दल के जो है दोनों सिरे बाहर की तरफ हो और अन्य दल जो है वो आपके एक अंदर और एक बाहर की तरफ हो और वैगलॉजी के अंदर अपन जानते ही इस तरीके से क्या होता है आपके विन्यास प्रेजेंट होता है तो अब इनको मैच करना है तो मैच करने के लिए आपको पता ही है कि यहाँ पर आपको बिल्कुल

मेज के अंदर मक्के के अंदर भी क्या होगा आपके पतला थिन होगा आपके ठीक है बट कोकोनट के अंदर जो है वो आपके थिन नहीं होगा है ना वो कैसा होगा आपके काफी थिक होता है ठीक है तो कोकोनट के अंदर हो जाएगा इसमें मतलब नोट से रिलेटेड है ना तो थर्टी टू का जो है वो क्या हो गया फोर्थ ऑप्शन नेक्स्ट कोटिलिडोन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड है ना मक्का के दाने के बीज पत्र को क्या कहा जाता है तो अपन जाते हैं प्रेसल्क कहा जाता है या फिर स्कूटेलम कहा जाता है थर्ड ऑप्शन इसके अंदर नेक्स्ट स न्यूसेलस इन द सीड इज नोन एज बीज में अवशिष्ट बीजांड का परिभ्रूण पोषी परिभ्रूण पोशी के अंदर क्या होता है न्यूसेलस पाया जाता है जैसे ब्लैक पेपर है काली मिर्च है तो उसके अंदर इस प्रकार का आपको एग्जाम्पल या टाइप जो है वो देखने को मिलेगा तो फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थेनोकार्पी बिना निषेचन के जो मादा संरचना है वो किस में परिवर्तित हो जाए फल में परिवर्तित हो जाए तो उस उसके बोल बोला जाता है कहा जाता है ठीक है तो यहाँ पर जैक फ्रूट दे रखा है कटहल बनाना ब्रिंजल एप्पल तो यहाँ पर जो केला है बनाना जो है वो क्या होता है बिना निषेचन के क्या होता है जो मादा संरचना होती है वो सीधे रूप से किस परिवर्तित हो जाती है कन्वर्ट हो जाती है आपके फ्रूट के अंदर क्या होती है परिवर्तित हो जाती है तो पैंतीस सेकेंड ऑप्शन नेक्स्ट छत्तीस नंबर कोकोनट फ्रूट इज देखो कोकोनट फ्रूट है या फिर जैसे मैंगो है एनसीईआरटी में दे रखे हैं जिनमें एंडोकार्प क्या होता है आपके काफी कठोर होता है हार्ड होता है उनको अपन क्या बोलते हैं ड्रूप फ्रूट कहा जाता है या अस्टिल फल कहा जाता है तो थर्टी सिक्स के अंदर क्या होगा आपके फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट अब इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं देखो और अपने को यहाँ पे देखने हैं से रिलेटेड अदो जाएंगी पुष्प से रिलेटेड देखने हैं तो सैतीस नंबर की बात करें तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि यहां पर कितने हैं देखो यहाँ पर चारों फैमिली हाइपोगा है फेमिली का मतलब पहले तो आप ये समझ लो ये है मतलब ठीक है अब हाइपोकाइनस से रिलेटेड देखो यहां पर मस्टर्ड ब्रेसी ब्रिंजल सोलेनेसी ठीक है इसके अलावा ल्यूपिन ये भी आ जाएगा इसके अलावा सन हैम्प ये भी होगा ग्राम भी हो जाएगा इसके अलावा बीन ये भी होगा चिली भी हो जाएगा और इसके अलावा जो है पिटूनिया ये भी रहेगा टोमेटो भी रहेगा ठीक है विथानिया सोमनी अश्वगंधा का साइंटिफिक नेम है बोटनिकल नेम है और ये आप जानते हो सोलेनेसिस से रिलेटेड है पोटेटो भी हो जाएगा अनियन भी हो जाएगा एलोई भी हो जाएगा टुली भी हो जाएगा तो कितने फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन और एक होता है चाइना रोज है ठीक है तो चाइना रोज के अंदर भी क्या होता है इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है अभी अपने क्वेश्चन देखा था हाइपोगाइनस कंडीशन है चाइना रोज के अंदर कॉटन के अंदर ये लेडी फिंगर के अंदर भिंडी के अंदर इस प्रकार की कंडीशन होती है तो सैतीस नंबर का क्या आएगा आपके फर्स्ट ऑप्शन है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह हो जाएंगे टोटल मतलब फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर नेक्स्ट है।, है देखो ये जो है पुष्प सूत्र या फ्लावर फॉर्मूला जो किसका है सोलेनेसी का है भाई अब सोलेनेसी से रिलेटेड क्या दे, दे है, है ना? हो गया, तो अड़तीस तो दे देखो अभी बताया था आपका स्टैंडर्ड ये इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ये वाला जो होता है इसी को क्या बोलते हैं वैक्सिलम भी बोलते हैं है ना पेपेलस नहीं बोलेंगे कोरोना नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे है ना वैक्सिलम बोलेंगे सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर है 39 का क्या जाएगा आपके सेकंड ऑप्शन नेक्स्ट है अब देखो मैच कॉलम फर्स्ट और सेकंड दे रखा है अब इसके अंदर आपको मैच करना है तो यहाँ पर कुछ फैमिली दे रखी हैं 1 2 3 4 जो एनसीएटी में दे रखा है और उसके पुष्प सूत्र दे रखे हैं इसके अंदर ठीक है, है तो यहां पर प्लस हो गया ये इसके अंदर ब्रैकेट ठीक है अब देखो इस पे मैच करना है तो ये जो फैमिली है ये फैमिली तो फाबेसी का हो गया तो फाबेसी मतलब थर्ड ऑप्शन ये जो फैमिली है ये हो गई किसकी आपके सोलेनेसी की ये जो फैमिली है ये हो गई आपकी लीलियसी की और ये जो फैमिली है ये हो गई ब्रेसी कैसी की तो ए का थर्ड ऑप्शन है ना तो ए का थर्ड ऑप्शन में केवल फोर्थ ऑप्शन ही आ रहा है भाई कभी कभार ऐसा भी होता है देखो

फ्लावर डायग्राम देखो ये किसका है ब्रेसिकेसी का या कौन सी फैमिली मस्टर्ड फैमिली कौन सी फैमिली भाई मस्टर्ड फैमिली ब्रेसिकेसी हो गई फोर्थ ऑप्शन है तो फोर्टी वन का क्या जाएगा भाई फोर्थ ऑप्शन नेक्स्ट है व्हेन द मार्जिनल ऑफ सेपल और पेटल्स देखो बिल्कुल एनसीआरटी का एक स्टेटमेंट दे रखा है और उसके अंदर क्लियरली बोल रखा है कि ये जो है वो किससे रिलेटेड है ये रिलेटेड है इम्ब्रिकेट से रिलेटेड या कोर छादी से क्या होता है आपके रिलेटेड होता है जिसमें एक पूरा जो दल होता है वो अंदर होता है और एक जो दल है उसका दोनों छोर क्या होते हैं बाहर की तरफ होते हैं और अन्य आप कह सकते हो कि भाई इस तरीके से ठीक है इस तरीके से ये हो गया आपके या आप इसमें ये बोल सकते हो कि इसको जो है वो आपके बाहर प्रदर्शित करना है तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि जिसमें दोनों दलों के जो छोर है वो बाहर की तरफ और इसमें अंदर की तरफ और एक अंदर और एक बाहर की तरफ है तो इसके अंदर कौन सा ए, 42 का जो है वो आपके सेकंड ऑप्शन आ जाएगा इसमें ठीक है नेक्स्ट है देखो ये प्लांट दे रखा है किसका धतूरा का और धतूरा से कुछ केमिकल प्राप्त किए जाते हैं और वो केमिकल्स क्या प्रदर्शित करते हैं हेलोसिनोजन होते हैं है ना और हेलिशिनोजेंस आप ये कह सकते हो कि जो माइंड जो ब्रेन है मस्तिष्क उसको भ्रमित करने के लिए कुछ केमिकल्स क्या किए जाते हैं काम में लिए जाते हैं तो ये के रूप में क्या करते हैं काम करते हो प्लांट का एक डायग्राम दे रखा है सीआर के अंदर है तो फोर्टी का फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट है कॉलम मैच करना है इसके अंदर आपके देखिएगा अब इसमें देखो पिस्टल फ्यूज सिंह बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ गेमिट गेमिटोजेसिस जनन बोलते हैं हाईफी ऑफ फायर एस्कोमा तो के अंदर क्या होता है आपके डाइकेरियोटिक कंडीशन पाई जाती है उसके अंदर है, ठीक है और यूनिसेक्सुअल फीमेल की अगर अपन बात करें तो क्या हो जाएगा पिस्टिलेटेड हो जाएगा तो इसमें पिस्टल या आपस में जुड़े हुए स्त्री के असर जो क्या बोलते हैं युक्तांडिका जाता है तो एक थर्ड ऑप्शन देखो इसमें भी ऐसा ही है जो अपने को कभी कभार ऐसा लगता है कि भाई ये थोड़ा क्वेश्चन जो है है, है वो हार्ड तो तो एक्चुअल में अगर अपन इसको जज करें तो इसमें एक ही और ही ऑप्शन और नहीं तो आपके एनाटोमी से रिलेटेड है टिश्यू वाला एक टॉपिक दे रखा है ट्रेकिड्स जो होता है वो डिफर फ्रॉम अदर ट्रेकिड एलिमेंट देखो ट्रेकिड्स की बात करें तो जो एलिमेंट्स होते हैं और उनमें भी आता है है मेन तो ना जो नॉन लिविंग होता है अब वेसल्स के अंदर क्या होता है आपके इस तरीके से क्या होता है परफोरेशन पाया जाता है वेसल्स के अंदर बट ट्रेकेट जो होते हैं उनमें परफोरेशन नहीं पाया जाता एंड टू एंड क्या होता है आपके कनेक्शन होते हैं तो यहां पर क्या पाया जाता है पिट प्रेजेंट होता है तो इम्परफोरेट होते हैं मतलब उसमें किसी भी तरह का छिद्र नहीं पाया जाता है तो पैतालीस लिविंग टिश्यू मतलब हो गया फ्लोएम की बात करें तो तीन एलिमेंट क्या होते हैं इसके अंदर लिविंग होता है सी ट्यूब लिविंग होता है कॉम्पेनियन सेल लिविंग होता है और पेरनकाइमा भी क्या होता है लिविंग होता है बट जो फैलम है वो फेलम क्या होता है आपके सुबेरिन के डिपोजिशन के कारण से भाई जैसे आप ये देखो कि कोर्टेक्स के अंदर ये हो गया कैम्बियम जिसको अपन क्या बोलते हैं फेलोजन के बाहर की तरफ तो क्या बनता है बनता बनता है 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 ना अंदर की तरफ क्या सेकेंडरी कोटेक्स का क्या होता है निर्माण हो जाता है एसी को फेलोडर्म कहा जाता है तो ये सुबेरिन के डिपोजिशन के कारण से ये क्या हो जाता है मृत माना जाता है तो फोर्टी सिक्स के अंदर क्या जाएगा सेकेंड ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट फ्लोएम इन फ्लोएम के अंदर बिल्कुल में दे रखा है ट्यूब नहीं होता और कॉम्पेनियन इसकी जगह पे क्या होता है सीव सेल होता है और एल्बोम सेल होता है तो 47 का क्या जाएगा भाई? जाएगा भाई सेकंड ऑप्शन आ इसमें फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है तो इसमें देखिएगा सेल विथ एक्टिव सेल डिविजन तो ये तो होता है मेरिस्टेम अब देखो एक बार ए के अंदर सेकेंड ऑप्शन देखो ये वापस से मिल गया ना

डी डिफ्रेंशियट और अपन ने रिडिफ्रेंशियट पड़े हैं तो अपन क्या बोलते हैं जो अनडिवाइडिंग सेल है जो मेच्योर हो चुकी है जैसे अपन मेरिज की बात करें तो है वो टिश्यू बना चुकी है ठीक है और इसको तो क्या बोलते हैं डिफ्रेंशियन ठीक है अब वापस से डिविजन हो गया तो उसी को अपन क्या बोलते हैं डी है ना और वहां पर कोई जैसे टिश्यू बना एक्स और फिर वापस से क्या हो गया ये मेच्योर हो गया ठीक है

द टाइप ऑफ टिश्यू कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल ऑफ नट्स है ना नट की फल में प्राय किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है देखो आप जानते हो नट जो होते हैं काफी कठोर होते हैं हार्ड होते हैं तो उनके अंदर क्या पाया जाता है स्क्लेर कायमा टिश्यू पाया जाता है और स्क्लेर कायमा टिश्यू के अंदर भी स्क्लेरिड्स या स्टोन सेल्स और क्या होता है आपके फाइबर प्रेजेंट होते हैं तो स्क्लेरिड्स प्रेजेंट होते हैं स्कलेर कायमा तो होता है बट स्क्लेर के अंदर भी दे रखा है बिल्कुल स्क्लेरिड प्रेजेंट होती है है ना या स्टोन सेल प्रेजेंट होता है तो 50 का क्या हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इसमें आ जाएगा नेक्स्ट है वेस्कुलर बंडल इन मोनोकोटिलिडोन आर कंसिडर क्लोज्ड बिकॉज है ना अब देखो अगर अपन यहां पर बात करें टिश्यू सिस्टम से रिलेटेड है क्वेश्चन इसके अंदर वेस्कुलर बंडल मोनोकोट में कैसा होता है क्लोज होता है तो आप जानते हो क्लोज के अंदर क्या होगा केवल जाइलम और Phloem ही होगा केम्बियम स्ट्रक्चर क्या होगी इसके अंदर होगी। तो बंडल शीत द गार्ड सेल्स द्वार कोशिकाओं को घेरने वाली विशिष्ट कर बाहित्वच तो कोशिकाओ को क्या कहा जाता है भाई बावन के अंदर अगर अपन बात करें तो सब्सिडी सेल या सहायक कोशिका बोला जाता है ठीक है हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू देखो वेस्कुलर कैम्बियम में सवन सामान्य क्या बनाती है देखो प्राइमरी फ्लोएम सेकेंडरी जाइलम पेरिडर्म अब इसमें से रिलेटेड अगर अपन बात करें तो यहां पर आपको याद ये रखना है कि भाई जैसे ये वेस्कुलर बंडल है इस वेस्कुलर बंडल के अंदर ये कैम्बियम हो गया और इधर जो है वो फ्लोएम हो गया और इधर हो गया जाइलम और

इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन तो वेस्कुलर बंडल जैसे ये वेस्कुलर बंडल ये वेस्कुलर बंडल हो गया ये हो गया आपके इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम अब दोनों के बीच का जो है वो क्या बोलते हैं इंटरफेस्कुलर कैम्बियम कहा जाता है ये अंतरपुलिय कैम्बियम कहा जाता है जो किसके बीच में पाया जाता है दो सवन बंडलों के मध्य पाया जाता है ठीक है फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट अब देखो नेक्स्ट है यू आर गिवन ए फेयरली ओल्ड पीस ऑफ डाइकोट स्टेम ठीक है अपने पास में एक बीज पत्र तने का एक टुकड़ा है और एक द्वि बीज पत्र जड़ का एक टुकड़ा है और इसमें अपने को पहचानना है कि आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे क्या सेकेंडरी जाइलम के बेसिस पे कर सकते हो सेकेंडरी फ्लैम दोनों में बनता है, है जब ठीक है बट प्रोटोजाइलम है वो प्रोटोजाइलम स्टेम के अंदर तो सेंटर की तरफ होता है और रूट के अंदर जो है वो आपके परिधि की तरफ होता है तो इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो डिफरेंस कर सकते हो ठीक है ना प्रोटोजाइलम के बेसिस पे क्योंकि प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होगा स्टेम के अंदर और रूट के अंदर परिधि की तरफ होगा ठीक है तो थर्ड ऑप्शन इसमें राइट नेक्स्ट है ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोनोकोट रूट इज प्रेजेंस ऑफ एक बीज पत्री जड़ का मुख्य लक्षण किसकी उपस्थिति का होना है देखो एक बीज पत्री, आप ये देखो एक बीज पत्री जड़ के अंदर क्या पाया जाता है देखो ओपन वेस्कुलर बंडल नहीं होंगे

इसमें से आपको ए टू डी जो है वो कुछ है अरेंजमेंट करना है भाई और अरेंजमेंट किस बेसिस पे देखो सत्यावन की बात करें यहां पर तो सेकेंडरी कोटेक्स और सेकेंडरी फ्लोएम से रिलेटेड वुड ए फैलम इससे रिलेटेड जो है वो आपको यहां पर देखना है फिफ्टी सेवन के अंदर है तो फिफ्टी सेवन में अगर अपन बात करें तो यहां पर देखो कॉटेक्स इस कोटेक्स के बाहर की तरफ क्या बन रहा है फेलम ठीक है बन गया अब फेलम से अंदर की अगर, अगर अपन तरफ चले तो फैलम से अंदर की तरफ क्या आ गया फेलोजन अब फेलोजन दे रखा है यहाँ पर नहीं दे रखा कोई बात नहीं है तो यहाँ पर एक तो क्या आ गया डी सबसे बाहर की तरफ फिर इसके बाद में सेकेंडरी कोटेक्स या इसी को क्या बोलते हैं फेलो डर्म कहा जाता है तो ये क्या आ गया आपके ए ठीक है है फिर उसके अंदर की तरफ क्या होता आपके फ्लोएम फ्लोएम कौन सा ये आ जाएगा कौन सा आ जाएगा आपके ये वाला सेकेंडरी फ्लोएम आ जाएगा ठीक है सी और सबसे अंदर की तरफ क्या आएगा वुड वुड मतलब जाइलम क्या जाएगा जाइलम आ जाएगा बी तो इसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा आपके फिफ्टी सेवन की अगर अपन बात करें तो तो पहला तो क्या आएगा डी फिर उसके 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 बाद 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 में 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 क्या 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 ए फिर फिर आएगा आएगा सी बी आ जाएगा का मतलब होता, होता है तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसमें आ जाएगा फिफ्टी सेवन का क्या होगा फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट है स्टोमेटा इन ग्रास लीफ है ना घास की पत्ती में रंध्र कैसे होते हैं तो आप जानते हो घास की पत्ती घास की पत्ती मतलब मोनोकोट है है ना तो वहां पर आपको किडनी शेप नहीं करना है किडनी शेप किस में होता है, है। मोनोकोट में कैसे होता है ठीक है, डंबला कार होते हैं। है? है अकरिन। कहां होती है ठीक है तो कहां पट्टिका पाई जाती है एंडोडर्मिस के अंदर पाई जाती है जो सुबेरिन कृत होती है किसकी बनी होती है भाई सुबेरिन कृत होती है अंतस्त्वचा के अंदर है ठीक है नेक्स्ट ग्रास लीव कर्ड इनवर्ट ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉलोइंग ऐसा क्या होता है जल की हानि को क्या किया जा सके कम किया जा सके तो वो क्या होती है आपके जैसे यहां पर इस तरीके से ये एपिडर्मिस हो गई तो यहां पर सेल्स होती है बड़े आकार की इस तरीके से सेल हो गई है ठीक है अब इसमें जब जल भरा जाता है तो यह कौन सी अवस्था में होती है अवस्था में होती है, और इससे पृष्ठ क्षेत्र इसका क्या होता है बढ़ जाता है जिससे फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है लेकिन जल की कमी हो गई तो यह क्या होती है सिकुड़ जाती है सिकुड़ना मतलब स्पित हो जाती है नहीं स्लथ हो जाता है या फैसी फै, फै, हो जाती है क्या हो जाती है आपके स्लत रूप में पाई जाती है या फिर क्या कह सकते हो आपके फ्लैसिड हो जाता है ठीक है ना जिसके कारण से उसका पृष्ठ क्षेत्र क्या हो जाता है कम हो जाता है जिससे जल की हानि क्या होती है आपके कम से कम होती है और यह तभी होता है जब वहां पर विशेष प्रकार के कोशिकाएं जिसको क्या बोलते हैं बुल्लीफॉर्म कोशिकाएं है पाई जाती है तो सिक्सट का क्या जाएगा आपके फोर्थ ऑप्शन नेक्स्ट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए प्लांट शो फॉलोइंग एनाटोमिकल फीचर्स एक पादप की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित शारीरिक लक्षण दर्शाए गए हैं ठीक है, है। ना अब इनमें से यह देखना है देखो यहां पर बंडल जहां पे आ जाए ना तो समझ जाना मोनोकोट स्टेम के बारे में बात हो रहा है बस अब आप देख लो मोनोकोट स्टेम कौन सा है आइए थर्ड ऑप्शन आ जाएगा मोनोकोट स्टेम क्या होगा इसके अंदर क्योंकि स्केटेड केवल और केल किसमें प्रेजेंट होते हैं मोनोकोट स्टेम में ही होते हैं एनसीआरटी में दे रखा है डायग्राम नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट पेयर सही मिलान को चुनिए अब इनमें से देखो ये आपको सेलेक्ट करना है है ना इसके अंदर इन डाइकोट लीफ वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय लार्ज थिक वॉल सेल कंजक्टिव टिश्यू ये नहीं होगा कंजक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है जाइलम और फ्लोएम के मध्य में रूट के अंदर पाया जाता है ठीक है ना कि ये थिक होता है सेल्स ऑफ मेडल रेज दैट आर फॉर्म द कैम्बियम रिंग इंटरफेस्कुलर कैम्बियम ये हो सकता है लूज सेल्स पेरनकाइमा द एपिडर्मल एंड स्पॉन्जी पेरनकाइमा

ये वेस्कुलर बंडल हो गए इसके अंदर आपके इस तरीके से वेस्कुलर बंडल ये इंट्राफेस्कुलर केम्बियम और यहां से क्या निकल रही है इंटर का क्या हो रहा है फॉर्मेशन हो रहा है तो यहां पर ये जो मेडुलरी रेज है ना यहीं से क्या होती है आपके इंटरफेस्कुलर केम का क्या होता है फॉर्मेशन होता है निर्माण होता है अंतरपुल केम्बियम का क्या होता है निर्माण होता है है ना तो सेकंड ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा 62 के अंदर है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेस्कुलर बंडल अब इनमें से कौन सा जो है वो आपके स्टेटमेंट सही है और कौन सा इन गलत है स्टेटमेंट वेस्कुलर बंडल डू नॉट सही है इन ओपन वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोयम ये भी सही है देशर बंडल ऑफ डाइको स्टेम पोजेज एंड प्रोटोजाइलम ये भी सही है इन मोनोकोट रूट यूजली देर आर मोर देन सिक्स बंडल ये भी सही है तो बी सी डी सारे सही है ए को छोड़ करके ठीक है आगे बात समझ में यहां पर लेंटी सेल आर इन्वॉल्व इन तो लेंटी सेल जो है वो किसमें होते हैं मेनली एक्सचेंज ट्रांसप्रेशन में भी होते हैं बट मेनली है वो किसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके गेसियस एक्सचेंज के अंदर होते हैं है ना नेक्स्ट इंट्रोफेस्कुलर कैम्बियम डेवलप फ्रॉम द सेल ऑफ रेज और तो तो अभी आपको जस्ट बताया था कि किससे है 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 से क्या होता है, इनका होता इनका है। निर्माण ठीक है? तो वृक्ष की आयु का आंकलन किसके द्वारा किया जा सकता है तो एनुअल रिंग गिन करके कि कितना उसके अंदर जो है वो आपके एक साल के अंदर एक एनुअल रिंग बनता है और उस एनुअल रिंग के अंदर अगर अपन कहें तो ये वाला और ये जो पार्ट है ये दोनों को मिला करके है ना ये वाला जो पार्ट है इन दोनों को मिला करके, रिंग बोलते हैं और हार्ट वुड और सैप वुड को मिलाकर के भी आप कह सकते हैं उसके अंदर तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा नंबर ऑफ एनुअल रिंग नेक्स्ट इन रिंग गर्डल्ड प्लांट है ना वले बदित पादप में तो अगर जैसे सपोज ये स्टैंप है और यहाँ पर छाल लगा हुआ है, बार्क लगा हुआ है और बार्क को छाल को हटा दिया, तो के के दिया गया है, क्यों के अगर कहें, तो जो के जो है उसके बाहर की ओर पाए जाने वाला समस्त भाग जो क्या कहलाता है छाल के अंदर इंक्लूड होता है अब छाल मतलब फ्लोएम हटाया फ्लोएम हटाया मतलब फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो लीव से जो रूट की तरफ होना चाहिए था वो नहीं होगा अब रूट को न्यूट्रिशन नहीं

सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम इन डाइकोट स्टेम पर प्रोड्यूस है ना तो 69 की तो सेकेंडरी प्रोड्यूस होता है तो आपके थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखो सैपुड इज इनर मोस्ट सेकेंडरी एंड इज लाइटर इन कलर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टेन रेजिन रेजी हार्टवुड इज डार्क इन कलर हार्टवुड ड नॉट कंडक्ट वॉटर बट गिव मैकेनिकल सपोर्ट सैफुड इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वॉटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीव अब इसमें से इन करेक्ट पूछा है तो इन करेक्ट की बात करें तो यहां पर सैफुड जो है ठीक है ना इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जायलम सेकेंड्रीजलम से ही बनता है इनर मोस्ट क्या है इसके अंदर सेकेंडरी से ही जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो जायम से ही आपके क्या होता है वुड का मतलब क्या होता है जायलम ही होता है तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा सेवेंटी के अंदर क्या होगा फर्स्ट है तो इनर मोस्ट नहीं है ये जाइलम का ही पार्ट है इसके अंदर है लाइटर इन कलर ठीक है बिल्कुल सही है ये बात है लाइटर कलर का होता है बट अगर अपन ये कहें कि भाई जो इनर मोस्ट है ठीक है ना वो इनर मोस्ट नहीं है वो कहाँ होता है आपके बाहर की तरफ है? होता है ठीक है ना इनर मोस्ट तो क्या होगा आपके हार्ट वुड होगा सेपवुड कहाँ होगा आपके भाई जैसे ये स्टेम्प है ना इस स्टेम के अंदर जो डार्क कलर का होता है वो तो होता है क्या हार्टवुड और ये जो लाइट कलर का होता है वो क्या होता है आपके काउंट किया जाता है तो ये फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा इनकरेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट सेवेंटी वन की अगर अपन कहें तो मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड लेंटी सेल देखो लेंटी सेल एक्सचेंज ऑफ गैसेस है है ना लेंटी सेल जो वो किसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज है तो इसमें ए का थर्ड ही देखो एक ही ऑप्शन दे रखा है आपने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं तो एक चीज अच्छे से नोटिस कर लिया है कि ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो उसमें आपको बहुत ही कम ऐसे चांसेस होते हैं जिसमें ऐसे डाउटफुल रहता है कि दो ऑप्शन है इसमें एक ही ऑप्शन में आपको पता लग जाएगा कॉर्क कैम्बियम की बात करें तो फेलोजन हो जाएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स की बात करें तो फेलोडर्म और कॉर्क की बात करें तो क्या हो जाएगा सुबेरिन डिपोजिशन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन

इनर मोस्ट की तरफ होता है presence of तो ए और बी जो है वो आपके स्टेटमेंट क्या होगा इसके अंदर सही रहेगाटोमिकली ऑफ स्प्रिंग शो वुड सम्यूलरी फीचर्स आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट स्प्रिंग वुड है ना बसंत दारू की आंतरिक संरचना कुछ विशिष्ट लक्षणों को, को प्रदर्शित करती है इसमें से आपको ये देखना है देखो कितने हैं और इसमें आप देखो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वुड बिल्कुल सही इट स्प्रिंग सीजन कैम्बियम जाइलम एलिमेंट विथ ये जो है गलत है ब्रॉड ल्यूमेन होता है क्योंकि एक्टिव होता है इसलिए लाइटल कलर का होता है हल्के रंग का होता है बिल्कुल सही है तो स्प्रिंग बात करें तो बी को छोड़ करके और सारे सही है ठीक है नेक्स्ट इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड वेस्कुलर कैम्बियम देखो कौन से पेरी साइकिल से आपको याद रखना है पार्श्व जड़ों का निर्माण किससे होता है आपकी पेरी साइकिल से होता है तो 74 का क्या जाएगा सेकंड ऑप्शन नेक्स्ट है प्लांट्स के अंदर कौन से ऐसे हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है होता है, इसमें होता है, साइकस में भी होता है में भी होता है, बट क्या होते हैं मोनोकोट होते हैं तो मोनोकोट के अंदर जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है तो इसके ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो यहां पर ऑप्शन क्या आएगा फोर्थ ऑप्शन इसमें आ जाएगा इसके अंदर है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा इसका राइट right हो जाएगा जितने भी क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको वन बाय वन करके वीडियो के थ्रू जो है वो आपके किए हैं और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी अपने को यहां पर मोर्फो के अंदर जैसे अगर अपन बात करें तो एग्जाम्पल बिल्कुल याद रखने अच्छे से ठीक है